माय चैनल जयश्री ब्लॉग। मैं हूँ जयश्री, स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो पर। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ दुर्गा पूजा एक पंचमी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, वो भी सिर्फ 50 रुपीज़ के अंडर। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में जाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और पास में छोटा सा नोटिफिकेशन बेल को सभी हिट कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहें तो मुझे मेरी सोशल मीडिया साइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। आप चाहे तो क्लींजर भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ फ्रेश फेस कितनी फ्रेश दिख रही है, फ्रेश फील भी होती है। तो उसके बाद बारी आती है टोनर की। तो मैंने यहाँ पर डाबर गुलाबरी रोज़ वाटर यूज़ किया है। आप अपने पसंद का कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं, या फिर घर पर बना जो टोनर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, ये टोनर आपको 15 रुपीज़ के अंडर मिल जाएगा। इसका जो बड़ा पैक है वो 40 रुपीज़ के अंडर आपको मिल जाएगी। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पर अनाइसा एलो हाइड्रेशन मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। ये नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छी खासी अच्छी है, पर ये ऑयली स्किन के लिए उतना अच्छा नहीं है, मैं बता दूँ आप लोगों को। तो उसे अपने फेस पर अप्लाई करने के बाद मैंने प्राइमर के लिए पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ किया है। आप अपने पसंद का कोई भी प्राइमर या एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। बहुत टाइप की एलोवेरा जेल आती है, आप अपने वो पसंद का यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, वो सिर्फ 45 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। एंड लिप्स के लिए मैंने बोरोलिन यूज़ किया है, ये भी मुझे 10 रुपीज़ में मिल गई थी। आप अपने पसंद का कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। तो फाउंडेशन के लिए मैंने डेजलर का यह फाउंडेशन यूज़ किया है। ये अच्छी फाउंडेशन है, मतलब उतना भी अच्छा नहीं है। फिर 30 या 40 रुपीज़ में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर से फाउंडेशन। ये कवरेज देती है, लो कवरेज है इसकी, उतना हाई कवरेज नहीं है इसका। एंड इसकी जो माइनस पॉइंट ये है ना कि ये बहुत जल्दी सूख जाती है, उतना अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होती है, बहुत जंतुजहद करनी पड़ती है। तो कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन का ये फाउंडेशन यूज़ किया है। ये अच्छी है एज़ कम्पेयर डेजलर का वो फाउंडेशन, ये काफ़ी अच्छी है। ये ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाती है। एंड हाँ, इसका कवरेज भी लो कवरेज है, पर इसके अगर आप दो लेयर लगाएंगे ना तो ये अच्छी खासी कवरेज दे देती है आपको। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लेंड भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर अपने सारे यूजुअल पॉइंट्स पर अप्लाई करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। मतलब मुझे ये ना पसंद है, मतलब ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाती है। तो इसको सेट करने के लिए मैंने पॉन्स का यह पाउडर यूज़ किया, ये मुझे 10 रुपीज़ में आ गई थी। अब अपने पसंद का कोई भी कॉम्पैक या लूज़ पाउडर या फिर इस तरीके का टैल्कम पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी फेस अच्छी खासी सेट हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, और मैंने नेक पर भी किया था जो मैंने कैमरे पे नहीं दिखाई। और मैंने आईब्रो के लिए यहाँ पर ADS का ये काजल यूज़ किया है। मतलब मेरी ना जो आईब्रो का जो पेंसिल था ना वो मुझे 10 रुपीज़ में मिल गई थी, ये भी 10 रुपीज़ का ही है, तो वो ना कहीं गुम गई थी, तो मैंने इसे ही अप्लाई कर लिया। इसे मैं अपने फेस पर नहीं आईब्रो पर अच्छे से अप्लाई कर दूँगी, अपने आईब्रो को अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी। मुझे बहुत परेशानी भी हुई इसके वजह से। एंड आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पर यह हिलारी रोडा का ये पैलेट यूज़ किया है। ये मुझे मैंने इसे शॉपसी से लिया था, तो मुझे ये 80 रुपीज़ के अंदर मिल गई थी। ये थोड़ी महंगी है 50 रुपीज़ के तुलना में। तो मैंने इसे यहाँ पर ना पीची पिंक कलर का एक शेड था, मैंने वो यूज़ किया था। एंड अपने लोअर लैश लाइन पर भी मैंने यही यूज़ किया था। एंड हाँ, ये अच्छी खासी है आपको, मतलब आपको अगर कम बजट में स्पेंड करनी है ना तो ये अच्छी है। तो लाइनर के लिए मैंने पर ये, मुझे नहीं पता इसका ब्रांड कौन सा है, मुझे ये 10 रुपीज़ में मिल गई थी तो मैंने इसे उठा कर ले आई। इसका जो ब्रश है ना वो अच्छी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर अपना जो दूसरे लाइनर का ब्रश था ना मैंने उससे देकर ही अप्लाई कर लिया है। अच्छी खासी है लाइनर, मतलब उतना भी अच्छा नहीं है। और काजल के लिए वापस मैंने यहाँ पर ADS का काजल यूज़ किया है। हाँ, ये काजल अच्छा है, काजल का कम दाम में ये काजल बहुत अच्छा है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एंड मस्कारा के लिए ये मैंने मस्कारा, मुझे भी इसका भी मुझे मतलब नाम वाम नहीं पता है, ये मुझे 50 रुपीज़ में पड़ा था, तो मैंने इसे लिए। अच्छी है ये, काम चलाओ टाइप है, आपको अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैं नहीं कहूँगी ये बहुत बुरा है। तो ब्लश ना मैंने ये इसी पैलेट से यूज़ कर लिया है, ब्लश एंड हाइलाइटर। तो मैं कह रही थी जो मस्कारा है ना वो मैंने यूज, मतलब आप रेगुलर यूज़ करेंगे ना तो अच्छी है, आपको चल जाएगी, काम चलाओ टाइप है। अगर आप मतलब कोई ओकेशन के लिए ले रहे हैं ना तो आप, मैं सजेस्ट करूँगी आप थोड़ी प्राइस देकर ही ले, वो काफ़ी अच्छी होती है।
आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर लिया है। एंड फाउंड लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर मैट मिनी का दो लिपस्टिक शेड यूज़ किया है, एक स्ट्रॉबेरी रेड थी, एक कुछ सिंदूरी रेड कलर की थी, तो मैंने दोनों ही दोनों अप्लाई कर लिया है अच्छे से, एक मतलब लाइनर लाइन पे और एक मिडल पार्ट पे, दोनों मिलाकर ना एक अच्छी शेड आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे काफ़ी पसंद आई, मतलब मैंने ये मेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट थी, मुझे काफ़ी पसंद आई। मैंने यहाँ पर हो गया है, अब आप मेरा फाइनल लुक देखिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।